प्रेम शुक्ला जी बोलने से क्या होता है? ठीक है, जवाब ले रहे हैं आपकी बात। पांच सात साल में, पांच सात वर्षों में ये माहौल बना, बार बार वो इस बात को कह रहे हैं। एक सेकंड जवाब ले लूं आपकी बात। प्रेम जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए ऐसा है, इस देश में टीवी की डिबेट देखने से बिहार में बैठे मुसलमान डर गए, जहां पर सतत जो है नीतीश कुमार जी लालू जी का शासन काल है। बम फट जाता था ट्रेन में, इससे बिल्कुल डर का माहौल नहीं था, मोहब्बत थी भाई। तकबीर अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ दे रहे थे, 11-11 जगहों पे मुंबई शहर में फोड़ दे रहे थे, मंदिरों में फोड़ दे रहे थे, मंदिरों को टारगेट कर दे रहे थे, मस्जिदों को टारगेट कर दे रहे थे, देश के कर रहे थे टारगेट। भाषा का उपयोग हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। चिल्ला रहे हैं मैं सब पूरी दुनिया में नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी जो आप बोल रहे हैं इसी माहौल का वो जिक्र करना चाह रहे हैं। यही है बांटने वाला माहौल, डराने वाला माहौल। प्रेम शुक्ला जी, आपकी भाषा पर ही बोल रहे हैं बोलने की। एक से किसी धर्म किसी, अच्छा आप जवाब कराइए साइंस, आप जवाब एक फटने से जो है आप अल्लाह अकबर कहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोई बम फोड़ दे, ऐसे लोगों ने ऐसा वातावरण बना और हजारों हजार लोगों की हत्या कर दे, सैकड़ों की हत्या कर दे, सैकड़ों लोगों की तकबीर अल्लाह अकबर कह के हत्या कर दी जाए और उस हत्या को से कोई डरेगा नहीं। हो सकता है इनका साहस बढ़ गया हो उससे साहब कि ये तो मार दे रहे हैं, ठीक है, गाजर गाजर मूली है। तो ये हुआ ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बम फट जाना, एयर इंडिया बिल्डिंग में बम फट जाना, सेंचुरी बाजार में बम फट जाना, मुंबई के ट्रेनों में बम फट जाना, होटल ताज में गोलियां चल जाना। और आतंकवादी कौन थे वो जो है, कौन से आतंकवादी का बोल रहा है जितने 10 दिन में बताइए ना, कौन थे वो? वो जो सांसद है, कौन थे? ये क्यों चिल्ला रहा है ये मूर्ख? साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, एक एक करके। प्रेम शुक्ला जी आराम से, आराम से, आराम से, उसी पे बम ब्लास्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा अख्तरुल साहब एक मिनट, मैं इनके बीच बोल रहा था क्या? और नहीं, क्या लेकिन देखिए आप भी आइए मुद्दे पर। प्रेम शुक्ला साहब, देश में जो आतंकी वारदातें हुई, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करी, किसने करी, आतंकवादियों ने करी, वो एक चीज है। नाम पे हुई, किसके नाम पे हुई? ये कह रहे हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में अंदर स्पेसिफिकली मुसलमान को लेकर के देश में एक माहौल बनाया गया भेदभाव का। नहीं भाई, भेदभाव पर ही बात कर रहा हूं मैं। मोहम्मद मदनी जो है वो आतंकवाद करता है, लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में जो है बम कांड करता है, और केरल की विधानसभा में ये सारे तथाकथित सेकुलर दल मिलकर उसकी सजा माफ करवा देते हैं। ये क्या था, नफरत था कि प्यार था? अफजल गुरु संसद पे हमला करता है, उसके समर्थन में पी चिदंबरम खड़े हो जाते हैं, जम्मू एवं कश्मीर में जो उसको फांसी दिए जाने पर आगजनी हो जाती है, अमरनाथ की यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। ये नफरत था कि प्यार था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या था भाई साहब? ये प्यार था? आज ये कहीं नहीं हो रहा है। आज कोई अजमेर शरीफ में बम फोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, आज कोई जामा मस्जिद खतरे में नहीं है, ना ही राम मंदिर खतरे में है। चलिए ठीक, एक मिनट, एक, एक, एक जवाब दे रहे हैं फिर बाकी मेहमान। ठीक अख्तरुल जी, जवाब, संकट मोचन मंदिर खतरे में, ये इसमें नफरत हो गई? ये अब मैंने आपकी बात का जवाब मैं ले रहा हूँ, एक मिनट। देश देखिए 70 साल के बाद देश सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो, देश की तरफ हमको गलत निगाह से देख रहा है, चाइना अलग, हमारे क्या बोलेंगे ये लोग? अर्थव्यवस्था खराब हो गई, रुपए का मूल्य खत्म हो गया, हमारे बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है इस चंद जैसे दल्ले लोगों की वजह से। अरे सर, ये भाषा नहीं चलेगी, जो क्या बात कर रहे हैं सर साहब, ये भाषा बिल्कुल गलत है प्लीज। और आप तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी भाषा कैसे कह सकते हैं आप? कैसे बोल सकते हैं ऐसा शब्द? आप बता रहे बोलते हैं किस टोले मोहल्लम पैदा हुए, ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अख्तरुल जी? मोहल्लम पैदा हुए, आप विधायक हैं, आपकी भाषा का प्रयोग कर, विधायक होते हुए ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस टोले मोहल्लम पैदा हुए हैं इनके, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट प्लीज, यहाँ से इस बात को आगे बढ़ाने की नहीं, खत्म करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे अख्तरुल जी। आप वापस ले सकते हैं अपना शब्द। नहीं, आप ये वर्ड वापस ले लें, मेरा आपको सुझाव है, ये गलत टिप्पणी आप भी जानते हैं। मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूं कि सामने कौन है। नहीं, कोई भी हो,
आपने अच्छा आप नहीं जानते और आपने ऐसे ही कह दिया शब्द किसी के लिए, मैं उसको रिपीट करके उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता। संस्कार है गालियां बकना। हम सुन रहे हैं कोई एक व्यक्ति पार्टी ने गालियां की भाषा बोल रहा है, किस भाषा बोल रहा है, उसके प्रति किस भाषा की बात कर रहा है, कौन सी गलत भाषा बोली, किसी जाति सूचक शब्द बात किया जाता है तो दल्ला चैनल पे बैठ करके इस तरह का दल्ला तो नहीं बोला मैंने आपकी तरफ। तो मतलब आपको कोई खेद नहीं है आपने जो शब्द का उसका, चलिए ठीक है अख्तरुल जी ठीक नहीं, लेकिन ये गलत है इस किस्म का, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कतई इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, और खासकर आपको जब करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं। नहीं प्लीज सर, मैंने आपकी बात पर मैं आगे जो बातें आपने तर्कपूर्ण उठाई उन पर चर्चा हो सकती है इस भाषा में, लेकिन नहीं हो सकती। आपने कहा देश में 70 साल आजादी के बाद 75 साल के बाद देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वजाहत काजमी से इस पर रिएक्शन लेना चाहते हैं। काजमी सुन तो लीजिए। नहीं अख्तरुल साहब ये ऐसे नहीं, आप अपना वर्ड वापस ले लेते, मैं आपसे बात करता। सुन तो लीजिए, ये कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए, बोलने दीजिएगा सब तो। नहीं मैं तो आपको सुन रहा था, मैंने तो आपको तब रोका जब आपने ये वर्ड बोला वाणी से। अरे भाई अब सुन लीजिए, अब आप चुप हो जाइए, सुन लीजिए अख्तरुल जी आप, हां काजमी साहब। अरे भाई अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, अब चुप हो जाइए आप। देखिए मेरे भाई, ये इनकी भाषा आप देख लीजिएगा, अब्दुल बारी साहब हों या ये एमएलए साहब हों जो बैठे हैं, प्रतिनिधि ये करते हैं, बने हुए हैं जनता के। अब मुझे पता नहीं ये किस पार्टी से आते हैं, एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान, तहजीब याफ्ता मुसलमान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने ही किसी भाई के लिए, अपने ही किसी देश के नागरिक के लिए, अपने ही देश की किसी अच्छी पार्टी के, भाई भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो उसकी प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं। और फिर मैं आपको एक चीज में यही दिखाना चाहता हूं, चैनल पर देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं कि ये डरे हुए लोगों का हाल है जो ये दल्ला बता रहे हैं। ये डरे हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने 50,000 फसाद इस मुल्क में कराया, इनको डर नहीं लगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लोग कटते गए गाजर मूली की तरह, इनको डर नहीं लगा। आज भी ये कांग्रेस के सहयोगी हैं, 2014 से 2022 तक कोई फसाद नहीं हुआ, इनकी राजनीति नहीं चमकी, इनको देश विदेश से चंदा नहीं मिला, और मुसलमानों ने अपना लीडर उन लोगों को चुन लिया है। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि यूपी से कोई प्रतिनिधि मुसलमान नहीं, सहारनपुर के लोकसभा के एमपी मुसलमान, अमरोहा के लोकसभा के एमपी मुसलमान, और अभी जम्मू कश्मीर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने गुलाम अली खटाना साहब को, वो मुसलमान है क्या? आप अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं, और बाकी जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो सब मुसलमान नहीं है? और डरे हुए लोगों की ये भाषा होती है? आप अपने बच्चों को बाहर शिफ्ट कर जाएंगे, और डरे हुए लोग हैं आप जो किसी को दल्ला बता रहे हैं, और इतने बड़े, इतने नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके, इतने बड़े चैनल पर, आपको देश के करोड़ों लोग, आप मुसलमान हैं, आपने ये सलीका सीखा है, कौन लोग हैं जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, किस तरह ये गुंडागर्दी और बदमाशी वाली भाषा आप बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ केवल इतना कह सकता हूं कि एक पब्लिक लाइफ जीने वाले व्यक्ति का, जिसको लोग अपना लीडर मानते हो, नेता मानते हो, उसको वोट देकर चुन करके भेजते भी हो, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है कि वो क्या संदेश दे रहा है आखिर आवाम को, क्या संदेश दे रहा है आखिर उन लोगों को जो उसकी बात सुन रहे हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी इस पर विचार करना चाहिए, अख्तरुल साहब को भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।